हाय गाइस, मेरा नाम जीवन कुमार है। मेरा टॉपिक है डिजिटल फॉरेंसिक सॉफ्टवेयर एंड इट्स एप्लीकेशन। डिजिटल फॉरेंसिक, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि डिजिटल क्राइम क्या है। ऐसे क्राइम जो कि कंप्यूटर की हेल्प से किए जाएं और कंप्यूटर को ही टारगेट किए जाएं, वो भी विद इन नेटवर्क, मतलब नेटवर्क का यूज करके अपन जो भी क्राइम करते हैं उसे डिजिटल क्राइम कहते हैं। उसकी इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो उसे डिजिटल फॉरेंसिक। डिजिटल फॉरेंसिक सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर जो कि डिजिटल क्राइम को सॉल्व करने में अपनी हेल्प करते हैं उसे हम डिजिटल फॉरेंसिक सॉफ्टवेयर कहते हैं। जैसे कि सॉफ्टवेयर जैसे कि एक्सेस डाटा व्यक्ति के इमेजर लिनक्स रिकवर फ्री एनी डाटा रिकवर इमेज स्टेनोग्राफी डाटा ऑक्सीजन। अपन देखेंगे एक्सेस डाटा व्यक्ति के इमेजर, ये उसका लोगो है और ये उसके डिटेल्स। जब भी अपन किसी फाइल या डिस्क की इमेज या उसे कॉपी करते हैं तो उसमें कुछ चेंजेस आ जाते हैं, बट जब अपन एफटी के इमेजर की हेल्प से उसकी इमेज बनाते हैं या कॉपी करते हैं तो वो बिट टू बिट कॉपी होती है, उसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं आते। अब अपन देखेंगे कि जो एफटी के इमेजर है वो कैसे वर्क करता है, उसकी क्या प्रोसेस है। सबसे पहले आप एफटी के इमेजर है उसे अपने लैपटॉप या पीसी में इंस्टॉल कर लीजिए और फिर उसे ओपन करें। उसके बाद में फाइल ओपन कीजिए लेफ्ट साइड में और यहाँ लिखा हुआ क्रिएट डिस्क इमेज, इस पर क्लिक कीजिए। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये स्क्रीन खुल जाएगा। अब आपको मतलब किसी भी पेन ड्राइव की या डिस्क की इमेज बनानी है तो वो पेन ड्राइव लगा दीजिए और फिर यहाँ फिजिकल ड्राइव इस पर क्लिक करके नेक्स्ट क्लिक कर दीजिए। उसके बाद में यहाँ से आपको सिलेक्ट करना होगा कि आप किस डिवाइस या ड्राइव की इमेज बनाना चाहते हैं। मैंने यहाँ अभी सोनी की पेन ड्राइव लगा रखी है, इसे सिलेक्ट किया है और मेरे को इसकी इमेज बनानी है इसलिए मैंने इसको सिलेक्ट किया और फिर फिनिश पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद यहाँ ये स्क्रीन खुल जाएगी, आपको एड पे क्लिक करना है। एड पे जैसे ही क्लिक करेंगे ये स्क्रीन खुलेगी, इसमें जिस तरीके आप इमेज बनाना चाहते हैं उसे सिलेक्ट कीजिए। जैसे कि मैं स्मार्ट तरीके की इमेज बनाना चाहता हूँ, मैंने स्मार्ट पे क्लिक किया और नेक्स्ट पे क्लिक किया। उसके बाद यहाँ केस डिटेल डालनी पड़ेगी, यह आप अपने मन से भी डाल सकते हैं और यहाँ केस नंबर और ये एक्सपर्ट लिखा हुआ है यहाँ अपना नाम डाल। उसके बाद में नेक्स्ट पे क्लिक कर, अब यहाँ आपको लोकेशन डालनी, मतलब कि जो इमेज बनेगी आप स्टार्ट होने के बाद में वो इमेज कहाँ सेव करनी है आपको वो पाथ दिखाना होगा, यहाँ ब्राउज की हेल्प से आप दिखाएंगे। और जो इमेज बनेगी उसका नाम देना होगा, जैसे मैंने E1 दे रखा है यहाँ, इसी तरीके से आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। और फिर आपको साइज देनी पड़ेगी, जैसे कि जो मेरी पेन ड्राइव है वो 16 GB की, पर मेरे को पूरी की इमेज नहीं बनानी है, मेरे को बस 1500 की इमेज बनानी है, तो मैंने 1500 लिख दिया है और फिर फिनिश पे क्लिक करना है। उसके बाद जो ये वेरिफिकेशन है इस पर टिक करना है, इससे ये होगा कि जो हैश वैल्यू है जो इमेज जो बनेगी आपको उसकी हैश वैल्यू ऑटोमेटिकली एफटी की इमेजर बना के दे देगा। हैश वैल्यू हर डिस्क और हर फाइल की एक इंडिविजुअल वैल्यू होती है, ये किसी की सेम नहीं होती है। उसके बाद में आपको स्टार्ट पे क्लिक करना, जैसे ही आप स्टार्ट पे क्लिक करेंगे एक प्रोसेसिंग होगी, प्रोसेसिंग वो थोड़ा टाइम लेगी। उसके बाद में मतलब वो प्रोसेसिंग होने के बाद में आप जैसे ही इमेज समरी पे क्लिक करेंगे तो वो जो इमेज बनी उसकी समरी आ जाएगी। और जो मैंने बताया था वेरिफिकेशन करना है तो ये हैश वैल्यू आ गई है उस इमेज की जो मैंने बनाई ये। अब जब इमेज बन चुकी है तो आपको उसको ओपन करना है, पर आप उसको ऐसे ही ओपन नहीं कर सकते, आपको इसी सॉफ्टवेयर में उसको ओपन करना पड़ेगा। ओपन करने के लिए आप सबसे पहले फाइल में जाइए और फिर एड एविडेंस आइटम इसके ऊपर क्लिक कीजिए। उसके बाद जब आपको मतलब इमेज को ओपन करना है तो इमेज फाइल पे क्लिक करके नेक्स्ट कर दीजिए, नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। उसके बाद जो आपने मतलब इमेज सेव जहाँ है वो पाथ दिखाना होगा, ये ब्राउज के हेल्प से आप दिखा सकते हैं कि ये मेरी फाइल यहाँ सेव है, और फिर फिनिश पे क्लिक करें। जैसे ही आप फिनिश पे क्लिक करेंगे तो आपकी जो इमेज बनी हुई है वो ओपन, ये देखिए मेरे इसमें ऊपर। अब आता है एनालिसिस का, अब एनालिसिस में अपन हैश वैल्यू देखते हैं।
जैसे ये फाइल है इसकी हैश वैल्यू देखनी है, तो मैं ये जो टैग है यहाँ क्लिक करके इसकी हैश वैल्यू देख सकता हूँ। पर आपको जैसे एक फाइल की नहीं, बहुत सारी फाइल की हैश वैल्यू एक साथ देखनी है, तो आप क्या कीजिए, कंट्रोल दबाकर सिलेक्ट कर लीजिए जो जो फाइल की आपको हैश वैल्यू देखनी है वो सिलेक्ट कर लीजिए, और फिर जो ये एक्सपोर्ट फाइल हैश लिस्ट है इस पर क्लिक कर दीजिए। जैसे आप क्लिक करेंगे उसके बाद में ये स्क्रीन, यहाँ जो इमेज जो लिस्ट आई है वो एक्सेल के फॉर्म में आती है, तो उस एक्सेल की फाइल को सेव कहाँ करना है वो आपको बताना है। तो मैंने डेस्कटॉप पे किया है और सेव पे क्लिक किया। उसके बाद में जो वो जो थोड़ा 2-3 सेकंड में बन के आ जाएगी, फिर मैंने इसको क्लोज कर दिया है, और फिर जो फाइल बन के आई है उसको ओपन करना है, तो ये ओपन हो गई। ये मैंने 3 फाइल सिलेक्ट की थी और ये उसकी हैश वैल्यू है। ये दो हैश वैल्यू दो फॉर्म में आती है, हैश वैल्यू MD5 और SHA1 फॉर्म में आती है। अब FD के इमेजर है वो उसके एप्लीकेशन, सबसे पहले ये बिट टू बिट कॉपी बनाता है, मतलब इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आते, ऑटोमेटिकली वेरीफाई कर देता है, अपन को किसी भी डिस्क की या फाइल की हैश वैल्यू निकाल के दे सकता है, अपन को इंडिविजुअल फाइल की भी निकाल के ले सकता है और एक साथ बहुत सारी फाइल्स की भी हैश वैल्यू निकाल के दे सकता है। खास बात यह है कि ये जो सॉफ्टवेयर है इसकी रिपोर्ट जब अपन बना के देते हैं तो वो कोर्ट में एडमिसिबल, मतलब कि किसी केस में आप इमेज बनाते हैं तो वो, मतलब आप उसके ऊपर एग्जामिनेशन करेंगे तो वो कोर्ट आप मानेंगे। अब थैंक यू गाइस। अब जो मेरे बाकी के जो बचे हुए हैं सॉफ्टवेयर वो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। थैंक यू गाइस।